टेन फैक्ट्स अबाउट ओशन, महासागरों के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्य। हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम महासागर से जुड़ी 10 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, फ्रेंड्स हमारा धरती 71% पानी से भरा हुआ है, मतलब देखा जाए तो यहाँ महासागरों का राज है। महासागर में अनेक तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं। साइंस के इतनी डेवलपमेंट के बाद भी हम समुद्र के सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। इसका मतलब समुद्र में ऐसी कई जगह है जहां इंसान ने कदम भी नहीं रखा है। चलिए जितनी एक्सप्लोर हुआ है उसमें से कुछ फैक्ट्स जानते हैं। नंबर 2, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अकेले ही पृथ्वी के जमीनी भाग से बड़ा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ये 16,50,00,000 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। आप इसके आकार का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संपूर्ण स्थलभाग से भी बड़ा है। नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी। आपने टीवी और न्यूज़पेपर में सुनामी के बारे में सुना होगा। सुनामी एक प्राकृतिक विपर्यय का नाम है जो कि समुद्र में आई आकस्मिक भूकंप से पैदा होता है। इसमें हजारों लोगों मारे जाते हैं और लाखों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। तो क्या आपको समुद्र में आई सबसे बड़ी सुनामी के बारे में पता है? ये सुनामी 1737 में साइबेरिया के कंचाटे में आई थी। इसमें लहरों की ऊंचाई 210 फीट थी और 64 मीटर ऊंची थी, जो कि आज तक की सबसे ऊंची लहरें हैं। समुद्र से आती है दुनिया के आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, पर क्या आपको भी यही लगता है कि ऑक्सीजन सिर्फ जमीनी पेड़ों से आती है? आपको सुनकर हैरानी होगी कि 70% ऑक्सीजन समुद्र से आती है और 28% जमीनी पेड़ों से, बचे हुए 2% अन्य साधनों से आती है। और क्या आपको पता है कि समुद्र वनस्पतियों का टोटल वजन हमारे मानव आबादी से भी ज़्यादा है? नंबर 5, दुनिया के सबसे ज़्यादा कलाकृतियाँ महासागरों में मौजूद है। ये तथ्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यदि आप कलाकृति देखना चाहते हैं तो आप म्यूजियम और किसी विशेष स्थान पर जाते होंगे, पर क्या आपको पता है कि महासागरों के अंदर इससे कहीं ज़्यादा और आकर्षक कलाकृतियाँ देखने को मिलेगा। ये दरअसल जहाज़ों की डूबने से तैयार हुआ है। फ्लोरिडा कीज़ में ही 1000 से ज़्यादा जहाज़ों की अवशेष मौजूद हैं। पहले के ज़माने में जहाज़ों से ही कीमती सामान को ले जाया जाता था, जिसमें से कुछ जहाज़ डूब गए और उसके बहुमूल्य कृतियाँ समुद्र में समा गई, जो कि आज भी मौजूद है। नंबर 6, समुद्र में मौजूद है करोड़ों का सोना। सोने को सोनों की खादनों में से निकालकर उससे सामग्री बनाया जाता है। पर क्या आपको पता है कि समुद्र में इतना सोना मौजूद है कि अगर उससे पृथ्वी में मौजूद हर इंसान में बांटा जाए तो हर इंसान के पास 4 किलोग्राम सोना होगा। नंबर 7, समुद्र में डूबा है दुनिया का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। आपको तो ये पता होगा कि पर्वत सिर्फ जमीनों में नहीं बल्कि समुद्र में भी मौजूद है। ये पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रिज लगभग पूरी समुद्र के नीचे मौजूद है। इसका लेंथ 40,389 माइल्स यानी 65,000 किलोमीटर है। 8, माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहना मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र स्तर से 8,847 मीटर होती है, पर हवाई के माउंट किया के ऊंचाई अगर समुद्र के सतह से मापा जाए तो 10,000 मीटर होती है। तो आप भी बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होना चाहिए। नंबर 9, हड्डियों के बदले कोरल इस्तेमाल होता है। समुद्र में मौजूद मूंगा चट्टाने बहुत लाभकारी होता है। मूंगा चट्टानों को रासायनिक मिश्रण हड्डियों से मेल खाता है, इसलिए पूरी हड्डी अगर नष्ट हो जाए तो मूंगा पत्थर से बनी कोरल की हड्डियां लगाया जाता है। नंबर 10, समुद्र के किनारे का अंत। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण मेरू में मौजूद बर्फीली चट्टाने पिघल रहे हैं, जिसके कारण समुद्र के किनारों में मौजूद शहरों का अंत हो सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर के ओवरऑल टेम्परेचर में 4 डिग्री की भी बढ़ोतरी होती है तो समुद्र के किनारों में बसी सब शहर डूब जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितनी खतरनाक है आप पता लगा सकते हैं।
महासागरों के बारे में ये तथ्य आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।